दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज हम लोग आ चुके हैं धन्नु भाई के फार्म हाउस पे। तुम्हारा भाई फार्म हाउस कहाँ है? दुकान पे। ये क्या पीछे पी? तो भाई धन्नु भाई का फार्म हाउस देख लियो, ये बना है। और तो अभी कुछ लोग और भी आ रहे हैं फार्म हाउस पे, तो यहीं पे आज पार्टी है। और भाई आज आप लोगों को कुछ दिखाना है। स्कूटी भी आ चुकी है, जो कि ये रही, प्योर ब्लैक नहीं है, थोड़ी सी ग्रीन या ब्लू में जो भी हो। कौन सा कलर है भाई इसको, क्या बोलते हैं? ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी है भाई। और ये रहा फार्म हाउस है। और भाई खेत कहाँ तक है यहाँ से? देख जहाँ तक नजर जा रही है, देख नजर जा रही है यहाँ तक, यहाँ तक जा रही है। ये अभी कुछ लोग और भी आ रहे हैं, उनसे भी मिलवा देते हैं फार्म हाउस पे। यहाँ पर आज हैवी पार्टी होने वाली है, बताते नहीं है, नजर लग जाती है, चीजें बताई नहीं जाती। तो भाई क्या यहाँ पर देख रहे हो, दोनों एक बाइक एक स्कूटी, दोनों सेक्सी लग रही हैं। बाइक क्यों बेचती है? अरे बेचती काहे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो भाई, यहाँ से ले चारों तरफ खेत ही खेत तुमको दिखेंगे और बीच में हम लोग दिखेंगे। जल्दी से दो बंदे और आ जाएं जिनको हम लोगों ने चूतिया बनाया है, फिर उनके साथ भी मस्ती करते हैं। मस्ती करेंगे। यस। कुछ नौजवान भी आ चुके हैं फार्म हाउस पे। ए यहाँ बात तो सुनो, धन्नु के फार्म हाउस में आर के कैसा लग रहा है? यहाँ से अब निकल रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, यहाँ पर तो कुछ मिला नहीं है, ये लोग आगे निकल चुके हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। तो चलते हैं नई लोकेशन पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई अपनी भैया बाइक को, मतलब भैया वो क्या कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, बर्नआउट करने वाले, मैं भी भूल गया। तो क्या ये कर पाएंगे? और यहाँ पुलिस लाइन में भाई शोर कर रहा है भाई, तुम नहीं होगा बर्नआउट नहीं होने वाला है, जो कि ये नहीं कभी कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ से उतर जाइए, मैं कर लूँगा भाई। बहुत अच्छा बर्नआउट करूँगा, तुम्हें क्या पता है, एक बार करके दिखाऊँ बताओ। अगर तुम बोलो तुम्हारी डिमांड पर मैं कर लूँगा। वाली है किसी लड़के की जो कि ये रही, एक दो निकला नहीं, तीन हाँ, ये चुहिया निकली। और इसने कमाल का है, वाह वाह वाह, मजा आ गया। और एक ये निकम्मा हट करा था, वो भी पता जैसे लग रहा, जैसे किसी तो लाओ चाबी लाओ ना भाई, मजा आ गया भाई। ना हाँ भाई, ले ले ले, तू भी अपनी प्यास बुझा ले। तो यहाँ पर अपने आदित्य भाई करने जा रहे हैं, देख सकते हो कैसा करेंगे। क्या गरम पहिया कर दिया, हट जल्दी हट। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं एक नई लोकेशन पे, जहाँ पर हम लोगों का शूट है, जो कि बाइक का करेंगे। बहुत ज़्यादा प्यारी लोकेशन है, ये देखिए नीचे फूल पड़े हैं, इन्हीं को उठा के भी फेंक रहे थे मगर टेप बन नहीं रहा था। तो यहाँ पर अब है अपनी बाइक का ले रहा है वीडियो शूट, मतलब कर रहा है। और बाकी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लोकेशन है, पुलिस लाइन के साइड ही में इधर है, जिधर अभय का घर वो रहा सामने उसी के जस्ट सामने ही ये लोकेशन है, काफ़ी प्यारी है। आज ही पता चला, इतने दिनों बाद बताइए, इससे पहले बता ही नहीं रहा था, चूतिया ना। इतनी अच्छी लोकेशन आज ही बताई इतने दिनों बाद, गुप्त गु। अरे वाह क्या प्यारी लोकेशन। अभी हम अपने भी शॉर्ट क्लिक कराएंगे अच्छे से, जो कि आप लोगों को हमारे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के पेज को जिन लोगों ने नहीं फॉलो कर रखा है वो जाके जल्दी से कर लें, और ऐसी प्यारी प्यारी रीलें आप लोगों को उस पर मिलती रहेंगी। पर रील शूट हो चुकी है, तो अब निकलते हैं जिम, और जिम के बाद आप लोगों से मिलते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, तो यहाँ पर भाई अभी सुबह सुबह उठ चुके हैं, और भाई कल ऐसा कुछ सिस्टम हो चुका था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब है,
सिस्टम ये हुआ था कि अरे काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, सिस्टम ये हुआ था कि भाई जो मैं कल एक लोकेशन पे गया था वहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था, वहाँ पर मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई जिसकी वजह से वहीं पर व्लॉग मतलब वीडियो बनना बंद हो गया। और मैं मुझे लगा बनना है तो मैं बोलता गया, बाद में मैंने जब चेक किया तो वहाँ पर वीडियो क्लिप ही बंद हो गई, उसके बाद ना कोई वीडियो शूट रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा स्टोरेज जो था भर चुका था, क्योंकि मेरे पुराने व्लॉग भी थे उनको भी मैंने डिलीट नहीं किया था, इस वजह से फिर वहाँ पर टाइम नहीं मिला था। उसके बाद मैं जिम चला गया था, तो मैंने सोचा कि घर जाके फिर आराम से अच्छे से क्लीन करके फिर व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। इसलिए आप लोगों को अगर वहाँ से बिल्कुल गायब मिलके यहाँ पर मिल रहा हूँ तो उसकी वजह ये है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दी आप लोगों से। तो भाई अभी भी सुबह सुबह उठ चुके हैं, बाल वाल देख रहे हो, बिल्कुल कंघी तक नहीं की है, ऐसे ही उठ के मैंने व्लॉग पहले मैंने सोचा आप लोगों को बता ही दे। और भाई यहाँ पर भाई आँखें काफ़ी ज़्यादा लेट उठे हैं और देख रहे हो भाई धूप इतनी तेज़ हो रही है, अभी उनको आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो भाई ये देखो बहुत तेज़ धूप हो रही है, आप ऐसे आइडिया लगा लो भाई, धूप तो मतलब इतनी तेज़ हो रही है तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पर भाई मैंने विंडो बंद कर दी है, तो चलिए पहले कुछ खा पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। अभी मुझे काम दे दिया मम्मी ने जो कि ये है, हमको ऊपर जाके जो डोर है उसको मतलब जो डोर पे मतलब हाँ सॉरी जो ये जो जाल है इस पर हमको पत्थर रखने, क्योंकि ये नीचे से हट गए हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है चल रही है इस वजह से, तो इस पर जल्दी से ईंट ईंट सीट जो भी है मिल जाए वो रख देते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है गाइस, एक और दो रख देते हैं ताकि हटे ना, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है कि भाई बहुत जल्दी और कुछ भाई सेट कर दिया जल्दी से, इसका भी डोर बंद कर देते हैं और यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है भाई, हवा देख लो एक बार, चेक कर लो कितनी तेज़ हवा चल रही है, ये देख रहे हो। तो हम तो भाई नीचे जा रहे हैं, हमसे धूप में टिका नहीं जाता है, इस वजह से तो आप लोगों को मिलते हैं नीचे। भाई यहाँ पर जो ये मेरा पुराना वाला गिम्बल था सॉरी ट्राईपॉड, तो ये भाई टूट चुका है, जो कि इसके ऊपर का ये जो पॉइंट है ये निकल जाता है, अभी देखना। अरे ये एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा तब निकल जाता, मतलब ये बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है। तो इसीलिए आप लोगों को अगर अच्छा सा कोई अगर गिम्बल पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, सॉरी गिम्बल बार बार बोल रहा हूँ, ट्राईपॉड अगर अच्छा सा पता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, वही ट्राईपॉड मैं मंगा लूँगा, क्योंकि मैं मंगाने ही जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब शॉर्ट वीडियोज़ और ब्लॉग डेली कंटिन्यू करना है इस वजह से। तो यहाँ से जो इसका पॉइंट है, मैं रुको एक मिनट इसको निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने निकाल दिया, ये देख रहे हो भाई किसी वक्त भी ये निकल सकता है, अगर मेरा फ़ोन इस पर ज़्यादा भारी, मेरा फ़ोन वैसे भी है तो यहाँ पर अगर मैं इस पर लगाऊंगा तो ये भाई किसी वक्त भी निकल सकता है, ये देख रहे हो भाई अलग हो गया जो इसका ये पॉइंट है, ये हाँ ये जो पॉइंट है इसकी वजह से ये थोड़ा मतलब पुराना हो गया, ये आदित्य को मैंने दिया, उसने भाई छत पे डाल दिया तो इसकी वजह से पूरा ये ख़राब हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर मेरे पिंपल हो गया है, पता नहीं क्या हो गया दिक्कत फेस पे भी, बाकी और मेरे पिंपल नहीं है सिर्फ यहाँ पर अभी निकला। तो भाई आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप लोगों को पता हो अच्छा सा ट्राईपॉड। आप लोगों के लिए एक और नई खुशखबरी जो कि मेरे लिए ज़्यादातर है, जो मेरा लैपी था इसकी जो स्क्रीन थी तो भाई पूरी डैमेज हो चुकी थी, जो कि मैंने रिप्लेस करवा दी है, तो आज से जो कुछ एडिटिंग वाला वर्क होगा सारा इसमें होगा। तो मेरा भाई डेल का है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो भाई डेल का लैपी है, तो इसी को भाई यूज़ करेंगे आज से एडिटिंग के लिए, और क्योंकि आज से भाई प्रॉपर व्लॉगिंग करनी, इस वजह से सारा सेटअप वापस से मैं अपना रिकवर कर रहा हूँ, जितना भी मेरा जैसे कि ये ट्राईपॉड टूट चुका है, ये सारा मैं आज ही मतलब कमेंट जब आप लोग करेंगे वैसे ही मैं ऑर्डर कर दूंगा जिस हिसाब से आप लोग बोलेंगे। तो भाई यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद हमने यूज़ किया तो यहाँ पर पासवर्ड भी डालना पड़ेगा, जल्दी से इसमें डालते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। इसमें सारी जितनी भी फाइलें, ये वाला ब्लॉग है इसी से एडिट करने वाला हूँ, तो सारी फाइल इसमें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। गाइज़ यहाँ पर भाई मेरी फाइलें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं और आप लोगों को एक शानदार नज़ारा दिखाने वाला हूँ मैं। भाई ये नज़ारा देखिए, मतलब आज इतनी तेज़ धूप हो रही है और भाई कोई भी गली में नहीं दिख रहा सिवाय मीमू जैसे ब्लॉगर के, जो कि घर से ही अपना ब्लॉग घर के बाहर कदम भी नहीं रख रहा, सिर्फ बाहर ब्लॉग बना रहा है। तो आप लोगों से भाई जो चीज़ मैंने बोली थी, यहाँ पर धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा हो रही है ऐसे नहीं समझिएगा, आप देखिए यस। और भाई अपनी हरवन के जो भाई ने हालत ख़राब कर रखे हैं वो तो पूछो ही ना, देख रहे हो भाई वो बिल्कुल छूता ही नहीं अपनी गाड़ी को, बाकी मैं तो अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखता हूँ, इस पर बस मिट्टी आ चुकी है जो कि अभी मैं थोड़ा ही कपड़ा मारूंगा साफ़ हो जाएगी, फिर से अपनी गाड़ी चमक जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं
गाय तो नहीं है क्योंकि मेरे पास गायों के लिए कुछ है जो कि मैं उनके लिए लाया हूँ। तो भाई यहाँ से कोई गाय नहीं, कोई गाय भी नहीं दिख रही क्योंकि आज वो भी धूप में पागल थोड़ी ना है जो घूमेंगी। तो देख रहा भाई कितनी तेज़ धूप हो रही है, तो भाई मैं अंदर ही जाता हूँ, मेरे से बाहर ना टिका जाएगा। और अभी अपना टाइम हो जाएगा जिम का, जो कि उसके लिए निकलेंगे। और उससे पहले देखते हैं कुछ, एक आज हम लोगों को एक रील और शूट करनी है जो कि अपने पेज पे, हरदोई वाले पेज पे भी पोस्ट करनी है। तो भाई आज से मेरे 3 पेज हो चुके हैं, पहले तो 2 इंस्टा पे हैं, एक अपना पर्सनल पेज, एक दूसरा हरदोई वाला और तीसरा यूट्यूब पे। तो यहाँ पर भाई सबको जाके भाई फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आए तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ क्योंकि हम दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय धनु, बाय।